हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, ये है इस सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना। अब मैं HP पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर जो रियलिस्टिक स्किन स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको थोड़े से लाइट पेंसिल के साथ यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर HP पेंसिल से रियलिस्टिक स्किन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से ही आपको पेंसिल चलानी है। कहाँ पर ज़्यादा लाइट मार्क्स हैं, कहाँ पर ज़्यादा डार्क मार्क्स हैं, उसी हिसाब से आपको पेंसिल को चलाना है। बस यहाँ पर आपको रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसी हिसाब से आपको डार्क लाइट पता चल जाएगा और आप उसी हिसाब से पेंसिल को लाइट प्रेशर के साथ या फिर जहाँ पर डार्क है वहाँ पर थोड़े से प्रेशर के साथ यूज़ कर सकते हो, बट HP पेंसिल ही यूज़ करना। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं टॉम्बो मोनो जेल से हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हाइलाइट की ज़रूरत है। आप चाहे तो यहाँ पर जेल रोल पेन या फिर नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। के बेसलेयर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर HP पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको थोड़े से लाइट प्रेशर के साथ यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉम्स का HP पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपने अगर पहले HP पेंसिल का यूज़ किया था तो आपको यहाँ पर पेंसिल को अच्छे से शार्प करके थोड़े से प्रेशर के साथ यूज़ करना पड़ेगा।
अब मैं यहाँ पर नोज़ पे डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए सेम डॉम्स का एच पी पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प कर देना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिटेलिंग अच्छे से कर पाएंगे। डिटेलिंग करने के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लेंड भी करने हैं। आप यहाँ पर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टॉम्प का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टॉम्प का ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं करना है, आपको यहाँ पर थोड़े से ही ब्लेंड करना है, जैसे कि वो स्किन स्ट्रक्चर है वो अच्छे से उभर के आए और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे। जहाँ पर हाइलाइट्स की ज़रूरत है यहाँ पर आप टम्बो मोनोजर और जेली रोल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एच पी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लेंड करके मैं फिर डार्क ग्रे की पेंसिल यूज़ करूँगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।